जियोपॉलिटिक्स भी डे बाय डे शतरंज के खेल की तरह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। नाटो सदस्य देश रशिया के साथ अलाइन होते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं रशिया वो खुद ही चाइना की गोद में जाकर बैठ रहा है। अमेरिका जो कि एक समय पर पाकिस्तान के लिए भारत पर हमला करने वाला था, वो आज की डेट में भारत के साथ खड़ा हो गया है, और भारत के साथ बैका, लिमुआ और कॉमकासा जैसे कई सारे अहम स्ट्रेटेजिक समझौते कर चुका है। जबकि रशिया जो कि पिछले 70 सालों से भारत का बेहद करीबी दोस्त था, वो पाकिस्तान की तरफ झुकते दिखाई दे रहा है, और रिसेंटली रशिया ने तो पाकिस्तान को हथियार बेचने तक का ऐलान कर दिया है, जबकि फ्रांस को उसके 200 साल पुराने एलाइज अमेरिका और ब्रिटेन धोखा दे रहे हैं और उसे न्यूक्लियर सबमरीन्स की मल्टी बिलियन डॉलर्स की डील भी छीन चुके हैं। वहीं अफगानिस्तान में 20 सालों के बाद तालिबान एक बार फिर से सत्ता में वापस आ गया है, यानी यहां पर कल क्या हो जाए ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। सभी देशों के लिए प्रायोरिटीज अब चेंज हो गई हैं, जिसके चलते वर्ल्ड ऑर्डर में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नए वर्ल्ड ऑर्डर में चाइना को काउंटर करने के चलते इंडो पैसिफिक का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ने वाला है। इसलिए जब अमेरिका का क्वाड को नाटो की तरह एक मिलिट्री अलायंस बनाने का सपना साकार नहीं हुआ, तो उसने चाइना को टारगेट करने के लिए ब्रिटेन को शामिल करके इंडो पैसिफिक के लिए ऑकस नाम की एक नई मिलिट्री अलायंस खड़ी कर दी, जो सैन्य तौर पर चाइना को चैलेंज करेगी। वैसे देखा जाए तो ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, जबकि जापान और भारत दोनों चाइना के पड़ोस में हैं। बस इसीलिए क्वाड को मिलिट्री अलायंस न बनाने के भारत और जापान के कुछ पर्सनल कंसर्न्स हैं। चाइना को टारगेट करने के लिए अब धीरे धीरे सभी देश एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच चाइना को डिफेंड करने और जो इंडो पैसिफिक में ये नई अलायंसेस बन रही हैं, इन पर निशाना साधने के लिए रशिया एक बार फिर से सामने आ गया है, और इस बार रशिया आसियान देशों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। रशिया की स्टेटमेंट काफी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये सीधा रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव की तरफ से सामने आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर भारतीय न्यूज एजेंसी ANI के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने US द्वारा लेड क्वाड और ऑकस अलायंस को निशाना बनाते हुए स्टेटमेंट जारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो अमेरिका द्वारा लीड किए जाने वाली अलायंसेस जैसे कि क्वाड, जिसमें भारत के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया भी हैं, और जो ये रिसेंटली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की ऑकस अलायंस बनी है, ये इंडो पैसिफिक पॉलिसी या फिर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के नाम पर एक फैशनेबल ट्रेंड बन गया है। ये अलायंसेस या ये जो संगठन खड़े हो रहे हैं, इनकी वजह से जो एशिया पैसिफिक की आसियान सेंट्रिक कॉपरेशन है वो कमजोर हो रही है। ये संगठन खड़े ही उनको वीक करने के लिए किए गए हैं। इसके साथ सर्गेई लावरोव ने आगे कहा कि ये वाली पॉलिटिकल अप्रोच बहुत ही डेट्रीमेंटल यानी बहुत ही हानिकारक है, जो कि चाइना को ही कंटेन करने के उद्देश्य से अपनाई जा रही है। यानी आखिरकार सर्गेई लावरोव का चाइना प्रेम एंड में सामने आ ही गया और उनके मुंह से सच निकल ही गया कि वो हमेशा चाइना की पैरवी करते रहेंगे। वैसे एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि रशिया या फिर सर्गेई लावरोव का कंसर्न आसियान देशों से नहीं है, बल्कि उनको असल में चिंता है चाइना की। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव जो बोल रहे हैं कि क्वाड और ऑकस की वजह से आसियान देशों के इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्वाड और ऑकस ये दोनों ही संगठन उल्टा चाइना को छोड़कर जो छोटे छोटे आसियान देश हैं उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। उनको इस बात की तसल्ली होगी कि रीजन में बढ़ते चाइना के इन्फ्लुएंस को चैलेंज करने के लिए क्वाड और ऑकस जैसी अलायंसेस मौजूद हैं, वरना ये जो छोटे छोटे आसियान देश हैं, चाइना इनको कब अपने कब्जे में ले ले वो पता भी नहीं चलेगा। ये सारे जो ताइवान समेत साउथ चाइना सी के पास वाले देश हैं, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सभी चाइना के साथ पहली समुद्री सीमा को लेकर विवादों में हैं। ऐसे में क्वाड और ऑकस इनको वीक नहीं बल्कि इनके लिए सेवियर के तौर पर काम करेंगे। वैसे आप नीचे कमेंट करके बताएंगे क्या आपको भी लगता है कि ऑकस अलायंस के बनने से क्वाड कमजोर हुआ है, हाँ या फिर नहीं।